आप बताइए तो मामला क्या है, कैसे पता चला आप लोगों को, क्या पता चला? दरअसल ये सभी बंजारे जाति के लोग हैं और ये सकरा प्रखंड परिसर के सटे एक कृषि फार्म है और सभा मदैया गांव बोलता है, जहां पोखर है उसी के नज़दीक अपना पराब डालते थे। एक चार दिनों पहले ये लोग आए थे और आज रात्रि की घटना बता रही है पीड़िता की माँ, जिसे सुबह 6 बजे जानकारी मिली कि दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्चे को जबरन मुंह बंद करके कि पेशाब के लिए बच्ची उठी थी और वो लोग लेके किसी झाड़ी में, इसके साथ जबरदस्ती की घटना हुई, जो स्थानीय रेफरल हॉस्पिटल सकरा में इनका इलाज किया गया और बेहतर चिकित्सा के लिए SKMCH या फिर सदर रेफर कर दिया गया। बाद में इनकी पीड़िता की माँ से जानकारी मिली कि ये लोग बखड़ा गांव और सरैया प्रखंड मुजफ्फरपुर जिला के हैं। कितने लोग के होने की संभावना? दो व्यक्तियों के होने की बात बच्ची बता रही है, क्योंकि अब चिकित्सा बच्ची की उम्र 5 से 6 साल बता रही है। कहाँ पे थी बच्ची सोई है? ये बच्ची अपने माता पिता के साथ सोई हुई थी और कृषि फार्म वाली जगह पर, जहाँ से 300 से 400 मीटर की दूरी पर वो शमशान है और खजूरबन्नी है। अच्छा। इसी झाड़ी में वो लोग ले गए और इनके साथ अनैतिक कार्य किए, जैसा कि प्रतीत हो रहा है। अपना परिचय? हमारा नाम सतीश कुमार, सकड़ा फरीदपुर पंचायत के मुखिया हुए, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। क्या है मामला? एक सकरा से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची 5 साल की, उसके साथ उसने दो लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि दो लोग उसको ले जाकर के गलत काम किए हैं और उसको जांच करके अगर तक कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है उसमें।